आज हमारा लेसन नंबर 8 रिलेटिव एंग मेडिकल पीरियड का डिस्कशन करेंगे. ओके, दिल्ली ड्यूरिंग मेडिकल पीरियड दैट मींस कि दिल्ली में मेडिकल पीरियड जब चल रहा था उस टाइम कौन सी डायनेस्टी आई, उन्होंने रूल किया, कौन से डायनेस्टी में कौन किंग था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर, पता चल गया हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ठीक है. और जो है यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी आई, उन्होंने रूल किया. सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, है ना. फिर बाद में तुगलक डायनेस्टी के बाद में बहमानी सल्तनत आया. तो इतनी डायनेस्टी और सल्तनत जो है लास्ट में एक बहमानी सल्तनत आए और तुगलक मेडिकल पीरियड के में रूल किया. ठीक है. तुगलक डायनेस्टी के दरमियान विजयनगर साम्राज्य था वो एस्टेब्लिश हुआ. विजयनगर साम्राज्य नदी के पास में, कौन सी रिवर के पास में वो हम पढ़ेंगे. हरिहरन का जो है उन्होंने उसमें मेन रोल प्ले किया था. उनकी गुरु स्वामी विद्यानंद ने उनकी मदद से, उनसे वो लोगों ने जो है लिया, कुछ ज्ञान लिया, गाइडेंस लिया. और स्वामी विद्यानंद ने उनके गुरु ने उन्हें गाइड किया और फिर उन्होंने हरिहर के हुक्का ने विजयनगर साम्राज्य एस्टेब्लिश किया. वो हम तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे. खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी याद है आपको? स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, पहले जब हिस्ट्री का एक लेसन चला था ना तब. और मैंने ऐसा भी बताया था कि स्लेव डायनेस्टी है उसको हम हिंदी में या गुजराती में गुलाम वंश बोलेंगे. स्लेव डायनेस्टी को हम गुलाम वंश बोलेंगे. ठीक है. तो स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश हम बोलेंगे. तो उसमें जो है हमने क्या पढ़ा था, तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहबुद्दीन गोरी और सबसे लास्ट कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसमें जो है इसका फाउंडर था, ऐसा हमने पढ़ा था. ठीक है. तो हमारी बुक में ऐसा दिया है यहाँ पे कि गोरी का स्लेव जो था कमांडर, उसने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था. यहाँ पे ये लेसन में हमें नाम स्पेसिफिकली नहीं दिया है फाउंडर का. ठीक है. एस्टेब्लिश किसने किया, सिर्फ ऐसा दिया है कि स्लेव था. गोरी की डेथ के बाद उसका स्लेव जो था गुलाम, उसने एस्टेब्लिश किया स्लेव डायनेस्टी, दैट इज गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश. समझ में आया? दिल्ली सल्तनत जो है 13th सेंचुरी के टाइम एस्टेब्लिश हुई. 13th सेंचुरी 1C. दिल्ली सल्तनत की बिगनिंग 13th सेंचुरी के टाइम हुई थी, दैट इज 1026 CE.
और कंट्रोल किया पूरे दिल्ली के, यहाँ पे जो थ्रोन है वहां पे उसको राजा बनाया, ऐसे समझ में। स्लेव डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हुआ दिल्ली पे पहले पहले। अब वो तो पहले गुलाम था इसलिए उसको पता नहीं थी कितने, अगर आपको कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और जो आपने पहले वो काम कभी नहीं किया हो तो पहले आपको डिफिकल्टी आएगी, फिर धीमे धीमे आप सीखोगे। तो वैसे ही पहले जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, बट धीमे धीमे उसने उसका पावर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और उसने मैनेज भी किया सारा स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया, ठीक है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। और ही स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार, उसने मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया, मीनार का कंस्ट्रक्शन उसने चालू करवाया। सी उसने कंस्ट्रक्शन मीनार का चालू तो करवाया पर वो खत्म नहीं हो सका, वो जब तक लाइफ था जिंदा था उतने टाइम में वो चार मीनार नहीं बन पाया, ठीक है, चार मीनार वो जब था उतने टाइम में वो नहीं बन पाया। इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया था है कि चार मीनार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया और खत्म किसने किया, ये दो क्वेश्चन है आते, ठीक है, इसलिए याद रखना। ये एक ऐसी जो है चार मीनार प्लेस के बारे में बात की है जो जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसी और ने और एंड किसी और ने किया, ठीक है, समझ में आया। चार मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है इनके स्लेव ने कराया था, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर ने, गोरी के कमांडर, गोरी के स्लेव ने। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट चार मीनार का कराने के बाद उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया उसके सॉन इन लॉ ने, उसके सॉन इन लॉ ने, ठीक है, मतलब उसके जमाई जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने चार मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है पूरा कराया। आया दो क्वेश्चन हो गए, चालू किसने कराया, तो स्लेव ने, मोरी के बहुत लॉयल स्लेव ने। और खत्म किसने कराया, तो उसके सॉनिंग लॉ ने जिसका नाम था इल्तुतमिश। यहाँ पे सोनिंग लॉ का नाम पता है इसलिए आपको लिखना है इल्तुतमिश ने जो है खत्म कराया था उसका चार मीनार का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये मीनार को अभी बहुत फेमस है और कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, जो मीनार ये कंस्ट्रक्शन हुआ और अब सक्सेसफुली इल्तुतमिश ने खत्म किया उस मीनार को हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, कुतुब मीनार के नाम से हम उसको जानते हैं, क्लियर, समझ में आया। कुतुब मीनार तो अपने नाम सुना ही है तो अब हमें इससे इतना पता चलता है कि यह कुतुब मीनार किसने खत्म करा, बनवाया, स्टार्ट किसने किया और खत्म किसने किया, तो इल्तुतमिश ने खत्म करवाया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट, जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज की गई है कुतुब मीनार के अंदर उसमें जो है दो, इसके दो मतलब मिक्सचर है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के इसका मिक्सचर है स्टाइल का, हिंदू स्टाइल और मुस्लिम स्टाइल दोनों के कंस्ट्रक्शन का मिक्सचर करके एक कुतुब मीनार जो है न्यू बनाया गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से स्टाइल का कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो आपको लिखना है बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल, मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल, क्लियर।
This place was the capital during Sultanate age, और जो यहाँ पर जो place है दिल्ली में, वो place जो है उस time capital थी Sultanate age के time, जब Sultanate वहाँ पे राज करते थे, तब समझ में वो capital, clear? अब next, इल्तुतमिश जो था, वो भी slave था beginning में, पहले वो भी slave ही था. वो जब आया तब से वो राजा या मिनिस्टर नहीं था. वो जब आया तब वो भी ऐसा स्लेव ही आया था, गुलाम ही था वो. पर धीरे धीरे वो जो है उसने बहुत सारे टेररिटीज अपने इंडिया में कॉन्वर्ट कर लिए, मतलब वहां पे युद्ध किया और जीत गए वो, फिर हमारे अंदर आ गई ऐसा, ठीक है. और इस तरीके से उसने उन सबको एक दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया, दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया उसको, ठीक है. इसलिए उसको बुलाया गया है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. इल्तुतमिश को फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला गया है. समझ में आया? क्योंकि उसने बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज जो है अटैक किया और कॉन्कर करके उसको इंडिया में इन्वॉल्व किया, ठीक है. अब उसकी डॉटर थी रजिया सुल्तान. इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान, वो एक फीमेल लेडी थी, बहुत शूरवीर थी, बहुत वीरता से रहती थी. वो फर्स्ट लेडी थी जिसने जो है वो जैसे लेडीज उस टाइम था कि पर्दे में भी रहने का और कोई काम नहीं, बस वो कोई कहीं बाहर नहीं निकल सकते, वैसे उस चीज को उसने अपोज किया और अपने लेडी एज अ पावर उसने दिखाया और युद्ध में लड़ी, बहुत उसने सेक्रीफाइस किया. वैसे वो सबसे फर्स्ट लेडी थी कौन? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की सल्तनत पे गद्दी पे बैठी तो सही. इल्तुतमिश जो है उसके डेथ के बाद वो बैठी, पर जो रूलर थे वहां पर के, रजिया बहुत एफिशिएंट रूलर थे, बट वहां पर जो दूसरे लोग थे, मिनिस्टर थे, पीपल थे, लोग थे, वो बोलते थे वो एक लेडी है, अब उसको हम जो है राजपाट क्यों दें अगर दूसरे हमारे यहाँ पे किंग है तो. और इस तरीके से जो है रजिया सुल्तान को हटा दिया गया था क्राउन से. इवन मैंने यहाँ पे आपको एक बात भी बताई थी लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि रजिया सुल्तान को हटाया क्यों गया था राज्य एज अ किंग. तो उसने क्वीन बनी थी वहां पर की रानी, चोन संभाला था राजपाट, तो क्यों हटाया गया आपकी बुक में नहीं दिया है उतना डीप में, बट मैंने बताया कि उसको एक उनके जो घोड़सवार होते हैं उसके साथ लव हो गया था और उसके साथ उसने शादी कर. तो जो नॉर्मल पीपल में से आप जो है पीपल वो इंसान हॉर्स राइडर हॉर्स वाला हॉक और उसका हो गया है, तो वो जो है लोगों को पसंद नहीं था और इसके लिए उन्होंने रजिया सुल्तान को अपोज किया और बोला कि इसको थ्रोन से हटा दो, इसको थ्रोन से हटा दो, और फिर रजिया सुल्तान को हटा दिया गया, ठीक है. और मिनास ई सिराज, यहाँ पे एक ग्रेट हिस्टोरियन है उस टाइम का, वो ऐसा बोलता है कि रजिया सुल्तान बहुत अच्छी एफिशिएंट रूलर थी उस टाइम, बहुत कैपेबल रूलर थी कंपेयर टू उसके ब्रदर, उसके भाई से भी ज्यादा अच्छी रूलर रजिया सुल्तान थी. रजिया सुल्तान के भाई के भाई बहन थे ना दो, जैसे रजिया सुल्तान और उसका भाई, तो वो रजिया सुल्तान ज्यादा कैपेबल और एफिशिएंट रूलर थी कंपेयर टू उसके ब्रदर. ऐसा मिनास ई सिराज एक हिस्टोरियन है उसने बोला. ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिनास ई सिराज ने क्या बोला है, ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है.
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। अमीर उमराव जो था वो रजिया सुल्तान को एज द रूलर डिसलाइक करता था। अमीर उमराव था वो एज द रजिया सुल्तान को फीमेल के रूलर थे तो डिसलाइक करता था, इसलिए रजिया का जो रूल है वो खत्म हो गया आमिर के सामने और जो है वहाँ पे कंप्लीट डिसऑर्डर हुआ सल्तनत के अंदर 6 साल तक। आफ्टर हर डेथ उसकी मृत्यु के बाद सल्तनत में 6 साल तक जो है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए क्योंकि अमीर उमराव आया था तो उसने अपने रूल्स निकाले। फिर अमीर उमराव के बाद नसरुद्दीन आया नसरुद्दीन जो है वो इल्तुतमिश का सॉन था, आया ना यहाँ पे इल्तुतमिश का सॉन नसरुद्दीन और इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश का सॉन नसरुद्दीन और इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान, तो नसरुद्दीन इतना अच्छा नहीं था जितनी अच्छी रजिया सुल्तान की एज अ रूलर, ठीक है। अब जो है नसरुद्दीन 21 इयर्स तक रूल करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। 21 इयर्स वो रूल करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है और उसके डेथ के बाद गियासुद्दीन बलबन जो है वो आता है थ्रोन पे दिल्ली के। गियासुद्दीन बलबन जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग रूलर उसने भी जो है जो भी डिसऑर्डर जो गलत होता था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई और उसको खत्म किया, ठीक है। डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए पीपल के साथ, ऐसा उसने पूरा अपना ध्यान रखा, ठीक है। और जो है एस्टेब्लिश पीस शांति उसने एस्टेब्लिश की, मतलब जो भी डिसऑर्डर हुआ था वो सब खत्म किया और जो है पीस एस्टेब्लिश किया। फिर बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ नसरुद्दीन, बलबन जो है नसरुद्दीन के बाद आकर बलबन जो है वो नसरुद्दीन का जो है वजीर था। बलबन वॉज वजीर ऑफ नसरुद्दीन, नसरुद्दीन का वजीर कौन था तो बलबन, ठीक है। कितने साल के लिए 20 इयर्स के लिए, कितने साल के लिए 20 इयर्स के लिए वो उसका वजीर था, ठीक है। फिर उसने एज अ सुल्तान 22 इयर्स तक रूल किया, एज अ सुल्तान उसने 22 इयर्स तक रूल किया। फिर वो वीक हो गया और फिर खिलजी डायनेस्टी आई और उसने जो है अपना रूल स्टार्ट कर दिया दिल्ली के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अब खिलजी डायनेस्टी जो है वहाँ पे 4 साल तक बलबन के डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई और रूल किया दिल्ली के ऊपर। उसमें एक टर्क कमिटी का मतलब टूर एक जगह का नाम है, एक इम्पोर्टेंट है सुनना, टर्क कमिटी का एक जो है पर है खिलजी से आया, खिलजी अफगानिस्तान में है, इसलिए यहाँ पे इसी डायनेस्टी का नाम खिलजी डायनेस्टी पड़ा। खिलजी डायनेस्टी कैसे पड़ा तो टर्क कम्युनिटी से एक पीपल है वो आया, टर्क कम्युनिटी से एक बिलोंगिंग आया जो खिलजी का था और खिलजी अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से आया इसलिए उनका नाम खिलजी डायनेस्टी पड़ा, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। एक नाम का उसका याद रखना,
जलालुद्दीन खिलजी है उसने स्लेव डायनेस्टी पे मतलब खत्म हो गए, वो आया स्लेव डायनेस्टी का खात्मा करके और फिर खुद की नए रूल्स लाए, दिल्ली सल्तनत अब उसके कब्जे में थी, ठीक है। और उसने खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर बोला गया 1926 सेंचुरी में, 1926 सीई में, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी उसका नेफ्यू और सन इन लॉ दोनों लगता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ और नेफ्यू मतलब सन इन लॉ जमाई और नेफ्यू मामा का बेटा, वो दोनों उसके साथ रिलेशन थे। और उसने जो है जलालुद्दीन को फेंक दिया और रूलर बन गया दिल्ली का, कौन तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को हटा दिया और खुद अलाउद्दीन खिलजी अब किंग बन गया दिल्ली, समझ में आए। फिर वो बहुत एम्बिशियस था, मतलब उसके काम से रिलेटेड बहुत एम्बिशियस था। फिर उसका कंट्रोल रहा उल्माद उमराव इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेरेंस ने किया उल्माद एंड उमराव के बीच में और वहां पे उसने उसका एडमिनिस्ट्रेशन रन किया प्रॉपर्ली। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए टू कंट्रोल प्राइस, बहुत ज्यादा भाव बढ़ने के लिए ना हो जाए इसलिए, मतलब बहुत ज्यादा भाव बढ़ेगी कोई भी चीज के तो लोग कैसे खरीदेंगे, इसलिए उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि प्राइस कंट्रोल में इतना ही रहेगा, कोई भी चीज का हम इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, ठीक है। और फिर फेमस पोएट, एक फेमस पोएट है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है एक फेमस पोएट है जिसका जो है वर्क बहुत वेल्यू है, बहुत ग्रेट पोएट है, इसलिए बहुत जानता है, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामास पोएट्री वो सब लिखा है। और वो भी उसके कोर्ट में ही रहता था, किसके खिलजी रहने शिक्षा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अमित खुसरो है वो एक ग्रेट पोएट था जो खिलजी डायनेस्टी के अंदर उसके कोर्ट में की एडोन हिज कोर्ट, समझ में। फिर वहां पे कंप्लीट डिसऑर्डर होने लगा किंगडम में अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद, और धीमे धीमे ऐसे करके तुगलक डायनेस्टी आई और उन्होंने उनका रूल चालू कर दिया और उन्होंने पूरी तरीके से खिलजी डायनेस्टी को खत्म कर दिया और तुगलक डायनेस्टी में अपना रूल जो है यहाँ पे ला दिया, ठीक है। फिर है तुगलक डायनेस्टी के अंदर यासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले एंट्री होती है यासुद्दीन तुगलक। यासुद्दीन तुगलक जो है वो फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का, वो फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। विद इन 4 इयर्स ऑफ द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के 4 साल, उसके मृत्यु के 4 साल तक जो है इसने रूल किया तुगलक डायनेस्टी में। अब जो है यासुद्दीन तुगलक ने डाक चोक करके एक पोस्टल सर्विस स्टार्ट की, उस टाइम में डाक चोक करके एक पोस्टल सर्विस स्टार्ट की उस टाइम में किसने, यासुद्दीन तुगलक, ठीक है, समझ पाए इसका। फिर और इसमें पोस्टल सर्विस थी मतलब लेटर्स यहाँ से वहां ले जाने, अब वो काम कौन करता था पोस्टल सर्विस का, तो वो काम जो है वो हॉर्स राइडर के थ्रू होता था, हॉर्स राइडर जो है वो कैरी करके लेके जाते थे सारे लेटर्स, हॉर्स राइडर जो है वो सारे लेटर्स को कैरी करके ले जाते थे, ठीक है।
और पोस्टमैन और रिफर टू एज हल्का रूप. पोस्टमैन वांट टू बी रिफर एज हल्का रूप, दैट मींस पोस्टमैन को हल्का रूप बोलते हैं. पोस्टमैन को हल्का रूप बोलते हैं. और डाक जो एक पोस्टल सर्विस है, नाम याद रखना पूछ सकते हैं हल्का रूप मतलब क्या, या तो डाक जो मतलब क्या. क्लियर? तो ये याद रखना, समझ में आया अच्छे से. फिर हल्का रूप और ये जो है सौराष्ट्र की रसदार करके एक बुक है, उसमें पढ़ना, उसमें बहुत सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी सौराष्ट्र की रसदार. ठीक है, नेक्स्ट. अब मोहम्मद तुगलक जो है सुल्तान बनता है यासुद्दीन तुगलक के बाद. यासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक जो है वो यहाँ पे एज अ सुल्तान आता है. मोहम्मद के मोहम्मद तुगलक जो है उसने कुछ डिसीजन लिए. मोहम्मद तुगलक ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उसमें से उसके दो मेन टू प्लान्स होते हैं. टू मेन प्लान्स कौन से कौन से? तो एक तो उसने सोचा था कि कैपिटल जो दिल्ली है वो मैं शिफ्ट कर दूंगा, वो ट्रांसफर कर देगा दिल्ली से दौलताबाद में. और दूसरा है कॉपर करेंसी को यूज में लाएंगे, जैसे अभी जो है सिक्के आते हैं अपना एल्यूमिनियम के आते हैं, वैसे उस टाइम उसने कॉपर की करेंसी जो है मार्केट में लाई थी. ये उसके सबसे पहले दो मेन प्लान थे, एक तो कॉपर करेंसी और दूसरा दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर करना है दिल्ली से अब वो दौलताबाद में लाना था. क्लियर? मोहम्मद तुगलक के टाइम इबन बतूता एक अफ्रीकन ट्रेवलर है फ्रॉम ट्रेंगायर बोल सकते हैं. ट्रेंगायर से एक अफ्रीकन ट्रेवलर आया था जिसका नाम था इबन बतूता. ठीक है, जो हाफसी ट्राइब से बिलोंगिंग था, जो हाफसी ट्राइब से बिलोंगिंग था, उसने पूरे इंडिया में विजिट किया और जो है उसके सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उसको क्रिटिसाइज किया और उसने एक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है और जो रूलिंग करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, ऐसा इबन बतूता ने ऑब्जर्वेशन करने के बाद बताया. क्लियर? समझ में आया इतना? चलो, तो आज के लेक्चर में हमने स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी पूरी नहीं हुई है, हाफ हमने पढ़ी. ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ा था? चार मीनार वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया, किसने खत्म किया और चार मीनार को कौन से नाम से जाते हैं. तुम में चार मीनार को हम अभी कुतुब मीनार से बहुत फेमस है और जानते हैं. खिलजी डायनेस्टी के टाइम क्या हुआ? तो खिलजी अफगानिस्तान का कम्युनिटी का एक खिलजी जो अफगानिस्तान में है वहां से आया था और उसने खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश और इस तरीके से उसको खिलजी नाम मिला. फिर तुगलक डायनेस्टी में यासुद्दीन तुगलक आया. यासुद्दीन तुगलक जो है उसने डाक चौक करके पुलिस पोस्टल सर्विस स्टार्ट की, डाक चौक करके पोस्टल सर्विस स्टार्ट की और पोस्टमैन को ऐसा उसने हॉर्स राइडर थे वो लेटर लेके जाएंगे और हल्का रो बोला था. हल्का रो और डाक चौक